बीता हुआ कल में कुछ भी हुआ हो, बीता हुआ कल का यादें बहुत बुरी हो, पीड़ादायक हो, पर आज तो नहीं है। बीता हुआ कल में कुछ भी हुआ, कैसा भी बीता हो, उसको हमें पकड़ना नहीं है। देखिए, जीवन एक संघर्ष ही है। यहाँ जीवन मिला है तो कैसे ना कैसे संघर्ष से तो हमें गुजरना ही पड़ता है। हर एक के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का अपना अपना एक संघर्ष होता ही है। हाँ, पर किसी किसी का बहुत ज्यादा पीड़ा संघर्ष से भरा हुआ जीवन हो सकता है। ऐसी जीवन बीता भी हो तो भी उसको याद कर कर आज क्यों पीड़ित होना है। आज आप उस समय को याद कर सकते हो, इसका मतलब आप जीवित हो। उतना दर्दनाक संघर्ष था तो आप जीवित कैसे हो? आपका आप तो मर जाना चाहिए था। आपका आप मर जाने से आप अपना स्वरूप को पाते। आपका आप तो मरा नहीं, इसका मतलब है कि किसी न किसी चीज को पकड़ा तो है आपने, इसलिए आप जीवित है। इतना संघर्ष था जीवन में, इतना पीड़ा था तो उस समय उस हालत में सहने का क्षमता, लड़ने का क्षमता कहाँ से आया? इसका मतलब आप बहुत शक्तिशाली हो, ताकि आज भी हो। जिसने संघर्ष झेला, पीड़ा से गुजरा, वहाँ कोई और ही था और आज आप कोई और ही है। झेलते समय जो थे आप आज वहाँ नहीं है। जरा खुद को अच्छे से देखिए, कितना परिवर्तन आ गया है जीवन में। हाँ, किसी पल आँख में आंसू आ जाए, पर आज का आज खराब नहीं करना है। परिवर्तन आज से शुरू होता है, जिंदगी आज से शुरू होता है, आज और अभी से सब शुरू हो सकता है। इसीलिए बीते दिन की यादों में आज का आज खराब ना करें। वहाँ दिन बीत गया, वहाँ जाकर हम खुद को अब परिवर्तन नहीं कर सकते, इसीलिए आज को ही हमें परिवर्तन करना है। बीते कल में खुद ने गलती की हो या दूसरों ने गलती की हो या अज्ञान के कारण उस पीड़ा से गुजरना पड़ा हो, वहाँ सब अज्ञानवश हुआ जानकर आज ही वहाँ से निकल जाइए। जिसने जिस भी प्रकार का गलती की हो या दूसरे के साथ बुरा किया हो, उसको उसका दंड तो अवश्य ही मिलेगा। और आपने जानकर या ना जानकर किसी दूसरे के साथ अन्याय किया है तो आपको भी दंड तो अवश्य ही मिलेगा। पर आपको आज यहाँ ख्याल आ जाए कि जो मैंने किया वहाँ ठीक नहीं था और वहाँ अज्ञानवश हो गया, मुझ में ज्ञान नहीं था, ये आपको समझ आ गया तो जो भी आपको उसका फल मिले उसको स्वीकार कीजिए और खुद को परिवर्तन कीजिए और मन में दृढ़ संकल्प कीजिए कि आज के बाद मैं जितना हो सके होश में रहूंगा और जानबूझकर किसी का बुरा नहीं करूंगा। जितना हो सके मैं दूसरों का काम आ जाऊं, यहाँ संकल्प कीजिए और संकल्प पर अडिग रहिए। हमने किसी को दुख दिया हो या किसी ने हमको दुख दिया हो या
हमारी उम्मीद ही हमको बहुत दुख दिया हो। सब अज्ञान बस हुआ, इसमें पाप और धर्म की बात नहीं है। आज के दिन यहाँ जान पाना बहुत बड़ी बात है। ना दूसरे का गलती था, ना खुद का, बस अज्ञान था। किसी को ऐसा लगता है कि किसी ने जानबूझकर, सोच समझकर किसी के साथ बुरा किया और वे दिन आज बीत गया, दूर छूट भी गया। तब भी जिसके साथ बुरा हुआ होता है वहाँ यहाँ सोचता है कि मैं तो उसे कुछ दंड ही दे नहीं पाया, और वे खुद ही तड़पते रहते हैं। पर उनको यह समझना चाहिए कि कर्म एकदम बलवान है, वहाँ कोई किसी को भी नहीं छोड़ता। जिसने बुरा किया उसको दंड अवश्य ही मिलेगा, भले वे बाहर से दिखाई पड़े या ना पड़े। किसी को भी दूसरों ने किया हुआ गलती का सजा खुद को नहीं देना चाहिए। खुद ही तड़पेंगे, खुद ही जलेंगे तो सजा भी खुद ही भुगत रहे हैं। इसीलिए यहाँ जाने की कर्म का जो खेल है वहाँ अद्भुत है। वहाँ किसी को भी नहीं छोड़ता, छोटे हो या बड़े हो, जानकर किया हो या अनजान में किए हो, सब का फल मिलता है। आग में हम अपने हाथ जानकर डाले या ना जानकर, तब भी आग तो जलाता ही है। वैसे ही कर्म भी हम जानकर करें या ना जानकर करें, उसका फल या दंड तो हमें मिलता ही है। इसीलिए हमें अपने ऊपर किसी को दंड देने का भार नहीं लेना चाहिए। सबको अपना अपना हिसाब मिलेगा ही। जीवन तो आज और अभी से शुरू होता है। इस शरीर के साथ, इस मन के साथ, इस भावनाओं के साथ बीता हुआ कल में कुछ भी हुआ हो, बस आज यहाँ देखना है कि हम कितने मजबूती से खड़े हैं। किसी को नहीं देखना है, खुद को ही देखना है। जीवन में बहुत तकलीफ, बहुत पीड़ा, संघर्ष से गुजरने के बाद भी इंसान का मैं बचा ही रहता है, क्योंकि हम में कुछ ऐसा है जो बचा हुआ है, वहाँ बचा ही रहेगा, कभी मिटता नहीं, कभी मरता नहीं। फिर भी हम वे जान नहीं पाते हैं, फिर भी हम उस अवस्था को नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने इस शरीर को और मन को ही मैं जाना है। शरीर और मन को हम छोड़ दे तो तत्काल ही हम उस अवस्था को पाएंगे। जीवन में कितना भी तकलीफ हो, कितना भी संघर्ष हो, फिर भी जो यहाँ मैं बनकर खड़ा होता है उसको हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसको हम गिरने ही नहीं देते हैं। मैं सदा बना रहता है। जीवन में हमने कुछ अच्छा किया हो या कुछ नहीं किया हो, अपनी अवस्था कुछ भी हो, एकदम बेकार लग रहा जीवन हो, फिर भी यहाँ मैं का अहंकार बना ही रहता है। मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ भी ना हो फिर भी यहाँ मैं बना ही रहता है। किस आधार पर यहाँ मैं टिका रहता है, मेरे साथ यहाँ नहीं होना चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए था, किस आधार पर नहीं होना चाहिए था। मैं खुद को क्या मानता है,
क्या समझता है और किस आधार पर कहता है कि मेरे साथ यहाँ नहीं होना चाहिए था। मैं क्या है? मैं एक शरीर है या मन? शरीर है तो शरीर तो बदलते ही रहता है। बचपन में जैसा था अभी वैसा नहीं है, 5-6 साल पहले जैसा था अभी भी वैसा नहीं है। यहाँ तो इसी तरह परिवर्तन होते होते मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। आज नहीं तो कल इसको मरना ही है। इसका कितना भी जतन करे, कितना भी मेरा मेरा करे, यहाँ छूटेगा ही। इसको अच्छे से और स्वस्थ तो रखना चाहिए, पर इसमें बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं होना चाहिए। जितना भी इस शरीर को मैं मेरा कहे, फिर भी शरीर का सुंदरता भी जाएगा और शरीर भी जाएगा। और मन, मन कहाँ है? क्या मन दिखाई पड़ता है? घर, परिवार, समाज, देश ने एक मैं खड़ा कर दिया है, उसी को ही लेकर हम रोते रहते हैं। शरीर की पीड़ा या मन की पीड़ा, किस पीड़ा को याद कर करके आज का दिन भी खराब करते हैं। ना शरीर रहेगा ना मन, इसीलिए अभी से आज से ही रोना धोना छोड़ दीजिए। किसी को दंड देने का जिम्मेवारी भी अपने पर मत लीजिए और अपना जीवन अपने ढंग से, समझदारी से, अच्छे से जीना शुरू कर दीजिए और मैं का खोज कीजिए कि किस आधार पर यहाँ मैं बचा हुआ है। असल में मैं कहने वाला है कौन? खुद से बार बार पूछिए और अपना मैं को जानिए।